स्वागत है आपका महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द नॉलेज अप चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टेबल फॉर्म के बारे में बताया था, तो आज के इस वीडियो में टेबल फॉर्म का सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन रह चुके हैं जो कि टेबल फॉर्म के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम एक टेबल जनरेट कर चुके थे। ये टेबल थी और इस टेबल में जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे एक टॉपिक देना हो कि टेबल का टॉपिक होता है कि उस टेबल का टॉपिक कैसे जनरेट करें, तो आपको करना क्या है, जो आपका ये टेबल है, इस टेबल में जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, इसके नीचे मैं एक TR टैग यूज कर देता हूँ, TR टैग, और TR टैग को बंद भी कर देता हूँ। इसमें आपको एक TD टैग यूज करना है, TD टैग, और उसमें आपको लिख देना है माय कोर्स डिटेल्स, और आपने TD टैग को बंद कर देना है। TD, अब इसको सेव करके आप अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपका एक यहां पर एक टाइटल नेम बन के आ चुका है, माय कोर्स डिटेल्स। अब इसको देखने में हमें पता चल रहा है कि हाँ, वाकई में ये हमारे कोर्स के डिटेल के बारे में बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, जो मैंने आपको यहाँ पे सीरियल नंबर है, कोर्स नेम है और एलिजिबिलिटी फीस जो भी हेडिंग बनाए हैं, उसके लिए आप बार बार बोल्ड टैग का यूज किया है आपने, यहाँ पे बी टैग का। इससे बचने के लिए कि बार बार देखिए यहाँ पे भी बी टैग आपने यूज किया, यहाँ पे भी, इन सबसे बचने के लिए आपको करना क्या है, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। इतना आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस एक सिंपली एक TH टैग होता है, TH टैग, इस TH टैग का यूज करके आपको बोल्ड नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका यहाँ पे कॉलम भी जनरेट हो जाएगा TH, बिना बोल्ड टैग को यूज किए। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो जो नाम थे यहाँ पे, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहला सीरियल नंबर था, दूसरा नेम था कोर्स नेम, तीसरा कॉलम था एलिजिबिलिटी और चौथा कॉलम था फीस। इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये आपका सेंटर में भी आ गया और देखने में काफी अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको बोल्ड टैग का यूज नहीं करना पड़ेगा और ये जितने भी आपको कॉलम दिख रहे हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, अपने आप इनका अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बात रही कि ये जो आपने ऊपर माय कोर्स डिटेल रखा हुआ है टाइटल नेम, इसको भी आप TD टैग यूज करके ना यूज करके इसको भी TH टैग ही आप डाल दो, जिससे आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा TH टैग। इसे आप सेव कर दीजिए और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा। अब हमें करना क्या है कि ये जो आप टाइटल नेम देख रहे हैं ये सिर्फ एक कॉलम के लिए है, लेकिन अगर हम चाहें कि ये पूरा कॉलम जितना है उन सभी के लिए अप्लाई हो, मर्ज हो जाए, मर्ज का मतलब होता है सभी कॉलम को ये कवर कर लेता है। तो इसको करेंगे कैसे हम, इसका एक आसान सा तरीका है कुल स्पैन। जैसे आपने यहाँ पे TH का यूज किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसके ब्रैकेट के अंदर ही आप यूज करेंगे कॉल स्पैन, और इक्वल टू देकर आप इसमें आपको इसमें लिखना है, क्योंकि आपके पास टोटल देखिए कितने कॉलम है, टोटल आपके पास 1 2 3 4 कॉलम है और आपको मर्ज करना है 4 कॉलम को, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और इसे सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ या 5 से। जैसे यहाँ पे मैंने किया, देखिए आपका ये कॉलम बना। तो इसमें आपका जितना भी कॉलम था उन सभी को देखिए यहाँ पे मर्ज करके आपके पास आपका कॉलम दे दिया गया है। अगला, अगर आप इस पे यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो ये सिर्फ 2 कॉलम को ही मर्ज करेगा, सबको मर्ज नहीं करेगा। इसलिए आपने यहां पर क्या करना, 4 ही लिखना है और इसे सेव कर देना है। सेव करके रिफ्रेश करिए, देखिए इसी तरीके से आप एक और कॉलम जनरेट कर सकते हैं, जैसा आपको कॉल स्पैन स्पेशली कॉलम के लिए होता है, इसी तरीके से रो में भी होता है। रो में यूज करने के लिए आप रो स्पैन का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक यहाँ पे आइटम लिखा हुआ, जैसे सीरियल नंबर, कोर्स नेम, एलिजिबिलिटी, उसी में एक और एक कॉलम बढ़ा देते हैं हम डिस्काउंट का।
एक डिस्काउंट का हम लोगों ने कॉलम बढ़ा दिया, और इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और इसे भी हमें एडिट करना पड़ेगा माय कोर्स डिटेल में। यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे हमें 5 करना पड़ेगा, ये देखिए। और इसमें अब डिस्काउंट में क्या लिखना है, डिस्काउंट में एक्चुअली हमें लिखना है यहाँ पर, यहीं पे हम लिख देते हैं टीडी फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे ये टैग बंद भी कर देना है, टीडी टैग आपने बंद कर देना है, और इसे सेव करके आप एक बार रिफ्रेश करो। ये देखिए आपका ये हो गया। अब कॉल स्पैन में तो आपका ये पूरा कॉलम आपका मर्ज हो गया था, लेकिन आपको करना क्या है कि अब रो को आपको करना है, तो रो में जो टीडी है इसमें आप रो स्पैम लगा देंगे, रो स्पैम इक्वल टू कितने रो हैं इसमें, 1 2 3, 3 रो हैं, तो आपको यहाँ पे 3 लिख के इसे 30 नहीं सॉरी 3, और इसे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए डिस्काउंट ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया। बार बार यहाँ पर बोल्ड टैग ना यूज करके आपको सिर्फ एक ही टैग यूज करना बताया हमने, TH टैग। उस TH टैग के बाद हमने बताया कि कॉल स्पैन का कैसे यूज करते हो आप, और रो स्पैन का कैसे यूज करके आप इन सभी कॉलम को आपने मर्ज कर लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल द नॉलेज हब के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।